नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। भगवान बिरसा मुंडा की 121वीं शहादत दिवस के अवसर पर जमशेदपुर शहर के विभिन्न राजनीतिक दलों ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने वाले बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी पुकारा जाता है। उनकी 121वीं शहादत दिवस पर बिरसा नगर स्थित संडे मार्केट में अवस्थित बिरसा मुंडा की विशालकाय प्रतिमा पर शहर के विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ किए गए संघर्ष में मात्र 25 वर्ष की उम्र में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले भगवान बिरसा मुंडा को याद किया गया और वर्तमान झारखंड को किस तरह और बेहतर बनाया जा सके इस पर भी अपने विचार प्रकट किए गए। आज भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। रांची के जेल में अंग्रेजों ने आज ही के दिन, लोग कहते हैं कि 20 देकर उनकी हत्या करा दी। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो किया वह आज देश और दुनिया के मानचित्र पर एक अव्वल स्थान रखता है। भगवान बिरसा मुंडा ने जो भी किया बचपन से लेकर 25 वर्ष की अवस्था में, उसमें एक बड़ी बात यह भी थी कि पढ़ाने के लिए बचपन में उनका धर्म बदल कर उनका नाम बिरसा डेविड रख दिया गया था। मगर जब उनको जानकारियाँ मिली, धीरे धीरे प्रबुद्ध हुए तो फिर से वे अपने मूल धर्म में आ गए, सरना धर्म में आ गए। तो यह भी एक उनका संदेश है कि भाई जो लोग भी इस तरह से धर्मांतरण कर रहे हैं वो भी अच्छी बात नहीं है। धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा के 121वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने भावभीनी हम लोग ने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और जिस तरह भगवान बिरसा मुंडा नदम साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए भारत को आज़ादी दिलाने का काम किया था, निस्संदेह हम समूह की जिम्मेवारी है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड कैसे बने, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के अरमान और सपनों को कैसे पूरा किया जाए, इस दिशा में लगातार प्रयास किए जाने की जरूरत है। और 2014 से 2019 के कालखंड को आप देखें तब इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, रघुवर जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार जनता की सेवा कर रही थी। और मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि उस कालखंड में, 5 साल के कालखंड में जितना आदिवासी समाज के लिए विकास के काम किए गए वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए। बिरसा मुंडा जी का पुण्यतिथि पर सबसे पहले बिरसा बाबा को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिरसा मुंडा की लड़ाई सीधे अंग्रेज हुकूमत के साथ उनकी लड़ाई थी और यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जिन्होंने यहाँ के लोगों को, अपने समाज को एकत्र करके अंग्रेजों के खिलाफ में, अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ में उन्होंने आवाज़ बुलंद की और जिस कारण आज बिरसा मुंडा की लड़ाई से ही जल जंगल जमीन की लड़ाई में यहाँ के कई लोग शहीद हुए, कई अंग्रेजों भी शहीद हुए हैं और जिसका परिणाम स्वरूप आज इस छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा का लड़ाई से CNT छोटानागपुर टेरेंसी एक्ट बना जो यहाँ के आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद पाएंगे, यह एक एक्ट बना जिसे आज तक भी वह एक्ट लागू है। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।